जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त अभर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं श्री हरमंदिर साहब के दर्शन करने और आपको दर्शन करवाने के लिए। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, श्री हरमंदिर साहब की हैं और किस तरह से श्रद्धालु यहां पे आ रहे हैं और किस तरह से व्हील चेयर पर श्रद्धालुओं को लाया जाता है और यहां पर दर्शन करने के बाद वो यहां पे लौट रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पूरे देश दुनिया से यहां पर दर्शनों के लिए लोग आते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते और यूँ कहें कि हम लॉकडाउन और गर्मी के चलते यहां पे काफ़ी लोग कम हुए, तो हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? राजेंद्र कुमार। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान, हनुमानगढ़। मन्नत मांगी थी कोई? हाँ जी सर। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी, क्या यहाँ पे आए हैं? मन्नत बताई थोड़ी जाती है? मन्नत बताई नहीं जाती, लेकिन आपके जो मन की बात है ये बताइए। आपके सामने कोरोना को खात्मा के लिए आपने अरदास किया मंदिर? हाँ जी बिल्कुल किए। हाँ, तो ये सबसे पहले वही किया, तो यही मन्नत है ना कि कोरोना का खात्मा हो। तो सबसे बड़ी बात है कि मन्नत में इन्होंने मांगा और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कोरोना का पूरी देश दुनिया से खात्मा हो। तो श्री हरमंदिर साहब में इन्होंने अरदास किया, राजस्थान से आए हैं, राजेंद्र कुमार नाम है। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि गर्मी बहुत है, आज 28 जून है और तपती गर्मी में यहाँ पे लोग दर्शनों करने के लिए आए हैं श्री हरमंदिर साहब को। आप देख सकते हैं, आप अंदर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लोग दर्शन के बाद बाहर को लौट रहे हैं और यहाँ पे लोग आए हैं और हम बात करते हैं और भी कुछ लोगों से और हम जानते हैं कि आखिर कहाँ से आए हैं आप बाबा जी? कोट खालसा से। तो लॉकडाउन है, फिर कैसे घर से निकले? टेम्पो में आ गए। बाबा के दर पे आने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं? नहीं नहीं, बाबे तो कल भूया जी। हाँ बिल्कुल सही बात है कि बाबा के दर पे आने के लिए, वाहेगुरु की अरदास करने के लिए कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, हेल्थ विभाग की टीमें पहले टेम्परेचर चेक करती है, उसके बाद में श्री हरमंदिर साहब के दर्शनों के लिए लोग श्रद्धालु जा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव भारत पर। हम आपको बताते हैं कि आज 28 जून है, तपती गर्मी, ऊपर से लॉकडाउन, फिर भी श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना जारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों पे। और ये सैनिटाइजर मशीन है और यहाँ से गुजर कर लोग जाते हैं। फिलहाल सैनिटाइजर मशीन जो है मेरे ख्याल से बंद है, तो फिलहाल हम आपको दिखाते हैं। ये देखो चेकअप देखिए किस तरह हो रहा है। श्रद्धालुओं का चेकअप करने के बाद इनको आगे जाने दिया जा रहा है और आप देख रहे हैं लाइव भारत पर लाइव तस्वीरें। हम आपको दिखाते हैं कि आज भी तहाशा गर्मी है और लॉकडाउन के बीच में हम पहुंचे हैं श्री हरमंदिर में। श्रद्धालुओं का आना जारी है, लेकिन उस कदर श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं जिस कदर श्रद्धालु आया करते थे। तो हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें और बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है आज अमृतसर में। और ये समझ लीजिए कि पैर यहाँ पे साफ सफाई और यहाँ पे जो कालीन बिछे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये कालीन बिछे हैं और पैर रखने की यहाँ पे इतनी गर्मी है। और हम श्री हरमंदिर साहब की सेवा का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं ये सेवा का काम चल रहा है। और श्री हरमंदिर साहब की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव भारत पर। तो हम आपको बताते हैं कि आज 28 जून है और फिलहाल यहाँ अंदर कैमरा मना है, अंदर कोई भी प्रेस को इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि जैसा कि गेट पर ही लिखा है यहाँ पर टिकटॉक वर्जित है। तो टिकटॉक वालों ने कैमरा अंदर ले जाने पर मनाही लगाती है, रोक लगाती है, मीडिया को अंदर कैमरा ले जाने नहीं दिया जा रहा है। और 28 जून है जैसा देख सकते हैं। और हम आपको बड़ी खबर बताते हैं कि 1975 में आज के दिन मीडिया आज़ाद भारत पर मीडिया पर पाबंदी लगी थी, एमरजेंसी लगी थी आज के दिन 28 जून 1975 को। और मीडिया के कई मीडिया, कम से कम 300 से ज़्यादा मीडिया कर्मी को जेलों में डाल दिया गया था। तो ये पहली घटना थी 28 जून 1975 को कि जब भारत आज़ाद भारत में लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, तब रोक लगाई गई थी। और मैं तो तब कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो आप देख सकते हैं और हम श्री हरमंदिर साहब से यही अरदास करते हैं कि आज़ाद देश में, आज़ाद मुल्क में मीडिया की आज़ादी बरकरार रहे, यही अरदास करते हैं। और हमने आपको दर्शन करवाएं। तो ये आप देख रहे थे लाइव भारत और आप देखते रहे लाइव भारत। श्याम प्रजापति के साथ सफर शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत।